नमस्कार साथियों, अंग्रेजी माध्यम में लगेंगे 9712 संविदा शिक्षक। जी हाँ साथियों, आपको बता दें एक बार फिर से, जो है राजस्थान के अंतर्गत संविदा के तहत जो है इंग्लिश मीडियम स्कूलों में, यानी कि जो सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जा रहे हैं, उनमें जो है 9712 जो अध्यापक हैं वो संविदा पर लगाए जाएंगे। इसके लिए जो है 31 जनवरी से जो है आवेदन प्रक्रिया जो है शुरू हो जाएगी। अब इसमें कौन कौन से अभ्यर्थी जो है आवेदन कर सकते हैं, किस तरीके से पूरा प्रोसेस रहेगा, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, इसके लिए पास में बेल घंटे के निशान को दबा के और नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करें। बात करें तो अंग्रेजी माध्यम में लगेंगे 9712 संविदा शिक्षक, इसके लिए 31 जनवरी से आवेदन प्रक्रिया हो जाएगी शुरू। अब बात करें नॉन टीएसपी में जो है 9108 पदों पर, और बल्कि टीएसपी की बात करें तो टीएसपी में 470 पदों पर भर्ती होने वाली है। नहीं साथियों, हम बात करें तो यहाँ पे लेवल वन के जो है नॉन टीएसपी में 6670, जबकि लेवल टू में 2438 पदों पर भर्ती होगी। कुल 9108 पदों पर जो है नॉन टीएसपी में भर्ती होगी। टीएसपी की बात करें तो लेवल फर्स्ट में जो है लेवल वन में 470, जबकि लेवल टू में 134, और कुल जो है 604 पदों पर भर्ती होने वाली है। बात करें राज्य के अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में संविदा पर 9712 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। अंग्रेजी माध्यम में महात्मा गांधी स्कूल और अन्य जितने भी स्कूलों में राजस्थान कॉन्ट्रोवर्शियल हायरिंग सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत लेवल वन के 7140 और लेवल टू के, जिसमें सिर्फ अंग्रेजी और गणित विषय ही शामिल होंगे, जिसके 2572 पद शामिल है। इन पदों पर लगने के लिए अभ्यर्थी जो है 31 जनवरी 2023 से और 1 मार्च 2023 तक आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। शुल्क की बात करें तो सामान्य और क्रीमिलेयर के लिए ओबीसी एमबीसी राज्य से बाहर लोगों के लिए 100 रुपये, जबकि राज्य के नॉन क्रीमिलेयर ओबीसी एमबीसी व ईडब्ल्यूएस के लिए 70 रुपये व अन्य के लिए 60 रुपये यहाँ पर लगेंगे। बात करें योग्यता की, सबसे अहम बात यही है कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है L1 के लिए अंग्रेजी माध्यम से 12वीं कक्षा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण हो। वहीं हम बात करें तो यहाँ पे बीएड यानी कि बीएसटीसी और रीट की पात्रता उसकी क्लियर होनी चाहिए। L2 के लिए अंग्रेजी माध्यम से स्नातक 50% अंकों के साथ वह DLED व रीट परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, यानी कि अंग्रेजी माध्यम यहां पे बताया गया है, ना कि अंग्रेजी विषय। इसके लिए इंग्लिश मीडियम होना ज़रूरी है। इंग्लिश मीडियम वाले अभ्यर्थियों को ही इसमें जो है आवेदन के लिए मांगा गया है। हालाँकि अभी तक कोई यहाँ पर नहीं बताया गया है कि जो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं उनके लिए क्या सुविधा की गई है। यहाँ पर 50% अंक उसके होने चाहिए 12वीं में, जो HTC के लिए आवेदन कर रहा है। अगर वो BEd के लिए आवेदन कर रहा है, यानी कि 6 से 8 L2 के लिए, तो उसके लिए यहाँ पे स्नातक जो है यहाँ पे बताई गई है, वो भी 50% अंकों के साथ उसकी उत्तीर्ण होनी चाहिए। तो ये कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी अपडेट आएगी कि हिंदी मीडियम वाले अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से अवगत करा दिया जाएगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और आपकी जो भी उचित राय हो हिंदी मीडियम वालों के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर सजेशन कीजिएगा। मिलेंगे अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।